प्यारे दोस्तों, आजकल मछली को सर्दियों में खाना फायदेमंद समझा जाता है और ज्यादातर लोग इसे सर्दी के मौसम में खाना पसंद करते हैं। अगरचे इसका इस्तेमाल गर्मियों में भी किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मछली का इस्तेमाल गर्मियों में करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मछली के फायदे और नुकसान बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि किन लोगों को मछली नहीं खाना चाहिए और वो कौन सी चीजें हैं जिनको मछली के साथ मिलाकर कभी भी नहीं खाना चाहिए, और जब हम मछली को ज़िबा नहीं करते तो मछली हलाल कैसे हो जाती है। इन सब सवालों का मुकम्मल जवाब हम आपको देने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें मछली के हलाल होने के बारे में, तो हम आपको बता दें, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान बताते हैं, एक मर्तबा हजरत अली लोगों को हलाल और हराम का फर्क बता रहे थे। आपने फरमाया कि जब भी किसी जानवर को खाओ तो उसे हलाल करके खाओ, यानी जिबा करके खाओ। इतने में एक शख्स उठा और मजाक उड़ाने के लिए कहने लगा, या अली, आप कहते हैं कि जब भी किसी जानवर को खाओ तो उसे हलाल करके खाओ, यानी उसे ज़बा करके खाओ। जब हम मछली पानी से पकड़ते हैं तो उसे ज़िबा नहीं करते। तो हजरत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह ने हलाल करने का हुक्म इसीलिए दिया है ताकि जानवरों की रगों से सारा खून निकल जाए। जब इंसान किसी जानवर को ज़िबा करता है तो गला तो कट जाता है, लेकिन उसका दिल थोड़ी देर तक धड़कता रह जाता है और इस वजह से रगों का सारा खून बाहर आ जाता है और गोश्त खून से पाक हो जाता है। अगर ये खून रगों में रह जाए तो जब इंसान गोश्त खाएगा तो उसे लातादाद बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब इंसान मछली पानी से निकालता है तो अल्लाह के फजल करम से मछली पानी से बाहर आने के बाद जब तड़पती है तो मछली का सारा खून उसके मुंह में आकर जमा हो जाता है, और मछली पकड़ने के बाद जब लोग उसे काटते हैं तो उसके मुंह का बबाल निकाल कर फेंक देते हैं जिसमें उसका खून जमा होता है, और यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है और वो इंसान के लिए हलाल हो जाती है। वो शख्स पशेमान होकर माफ़ी मांगने लगा, और आज जब 1400 साल बाद साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं तो उन्हें ये पता चला कि हजरत इमाम अली ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। और हर एक की ज़बान पर यह बात आ ही जाती है कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमा दिया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो दोस्तों, ये तो हो गया मछली के बारे में हजरत अली का फरमान। याद रहे कि हमारे यहाँ बहुत तरह की मछलियाँ पाई जाती है और मछली दुनिया भर में बहुत से लोगों की पसंदीदा गिज़ा है। डॉक्टर्स के मुताबिक मछली का गोश्त और तेल दिल के मर्ज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, कैंसर, जिल्द का जख्म और दूसरे कई मर्ज के लिए फ़ायदेमंद है। मछली के तेल में मौजूद ओमेगा दिल के मर्ज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मछली का तेल माँ के पेट में पल रहे बच्चे के दिल और दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। डॉक्टर्स का कहना है कि समंदरी मछली इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ताज़ा मछली देर से हजम होती है, मगर दरिया की मछलियाँ और नहर की मछलियाँ बहुत उम्दा होती है क्योंकि ये बेहतर इफ़ेक्ट देती है, बदन को तंदुरुस्ती अता करती है, मनी में इजाफा होता है और गर्म मिजाज लोगों की इससे इस्लाह होती है। मछली का सबसे अच्छा हिस्सा ये होता है जो मछली के पूंछ यानी दूम के करीब होता है। डॉक्टर्स ने इसके अलावा मछली के और भी बहुत से फ़ायदे बयान किए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मछली दिमाग और याददाश्त के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। मछली खाना दिल के लिए मुफीद है। मछली हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। मछली अल्जाइमर के मरीजों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मछली खाने से हम जहनी दबाव से बचे रहते हैं। मछली खाने से जिस्म में खून जम नहीं पाता। मछली दिल के मरीज के लिए अनमोल तोहफा है। मछली खाने से इंसान की चमड़ी चमकदार होती है।
मछली खाने से इंसान के बाल मजबूत और गहरे होते हैं। मछली हमारे वजन को बढ़ने से रोकती है और कमज़ोर इंसान को ताकत देती है। मछली खाना मर्द हजरात के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मछली खाने से कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है। मछली खाने से जिस्म में खून का बहाव ठीक रहता है, यानी ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। मछली का तेल इस्तेमाल करने से सांस की नलियां साफ रहती है। मछली का तेल वजन मोटापे के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये उनका वजन कम करता है और उसे नॉर्मल करता है। मछली के तेल का इस्तेमाल सर्दी जुखाम से बचाता है, इसीलिए जरूरी है कि इन फायदों को हासिल करने के लिए मछली का इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि मछली नुकसान कब देती है। तो प्यारे दोस्तों, याद रहे, जिन मछलियों में मर्क्यूरी ज्यादा मिकदार में पाई जाती है तो उससे परहेज करना चाहिए। हामेला औरतें, बच्चों को इन मछलियों को नहीं खाना चाहिए, इससे इन्हें परहेज करना चाहिए जिनमें मर्क्यूरी की मिकदार ज्यादा होती है, क्योंकि इससे आप जिस्म की कपकपाहट, यादाश्त का जाना और हाथ पैरों का सुन हो जाना ऐसी बीमारियों में पड़ सकते हैं। एक हफ्ते में 2 दिन मछली खाना इंसान के जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, कुछ रिसर्च के मुताबिक मछली और दूध को एक साथ मिलाकर ना खाए, या फिर मछली और दही का इस्तेमाल एक साथ एक वक्त में ना किया जाए, इससे इंसान के जिस्म में लातादाद बीमारियां पैदा हो सकती है। मछली के साथ दूध और दही कभी नहीं खाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।